नमस्ते गाइस, आशीष ये फन नमस्ते डेकोर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोकिया 3.1 प्लस का रिव्यू। ये फ़ोन दो हफ्ते पहले लॉन्च हुआ था इंडिया में 11,500 के प्राइस रेंज में और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया बिकॉज इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन के क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या ड्रॉबैक्स है और इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फोन सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में बिक रहा है। इसका प्राइस शायद इसीलिए ज्यादा हो गया नोकिया 5.1 प्लस के कंपैरिजन में, जो फोन थोड़ा सा बेटर है नो डाउट इसके ऑफरिंग्स के हिसाब से। तो आइए देखते हैं इस फोन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैटरी की। इसके अंदर 3500 mAh बैटरी है। नोकिया ने क्लेम किया है कि ये दो दिन तक बड़े आराम से चलेगा, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं अपने ट्रिप पे ले जाता हूँ जहाँ मैंने रोज करीबन 100 से 150 फोटोज खींचे हैं, व्हाट्सएप और गूगल फोटोज में डायरेक्टली अपलोड किया है और उसके बाद भी ये फोन करीब करीब 20 से 22 घंटे आराम से चल गया जब तक इसका बैटरी लेवल 10% पे ड्रॉप नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली दिखाता है कि ये फोन आराम से दो दिन चल जाएगा अगर आप कैजुअल यूजेज करते हैं। अगर आप हैवी यूजेज में आते हैं तो 20 घंटे या 18 घंटे, डिपेंड आप इस फोन को कैसे यूज कर रहे हैं, तो उस पे ये चलेगा। ये फोन बड़ा ही फटाफट चार्ज होता है, हालांकि फास्ट चार्जिंग नहीं है, बट 50% बैटरी आपकी करीब आधे घंटे में चार्ज बड़े आराम से हो जाएगी। बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले 6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है। इसका मतलब आपको इस रेंज में और कोई फोन नहीं मिलने वाला जिसपे 6 इंच का डिस्प्ले है। तो अगर आपको एक बड़ा फोन चाहिए इस प्राइस रेंज में तो शायद आप ये फोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी बैटरी है और इसका डिस्प्ले बड़ा है तो मूवी देखने का मजा ही कुछ और है। तो वाइड व्यू एंगल के हिसाब से, मतलब किसी भी एंगल से देखें तो ये स्मूथ दिखता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट है, मेटल बॉडी नहीं है, ग्लास बॉडी नहीं है, तो आप वैसा कुछ एक्सपेक्ट ना करें, बट एट द बेस्ट ठीक ठाक है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें वापस से मिलता है एक मीडियाटेक प्रोसेसर जो कि नोकिया 5.1 प्लस में था, हालांकि इसमें आपको मिल रहा है हीलियो P22 ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि 3GB रैम के साथ आता है और 2GB का वेरिएंट है। हमने जो टेस्ट किया वो 3GB का वेरिएंट था। तो अब जब मैं इसको डे टू डे अपने पूरे टूर में यूज कर रहा था, इतने सारे फोटोज ले रहा था, तो कहीं भी ये हैंग नहीं हो रहा था। हालांकि जब इसका बैटरी हिट करता है करीब 15% पे, जहाँ पे ये बैटरी सेवर टर्न ऑन करता है, उस समय ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है, एप्लीकेशन स्विच करने में प्रॉब्लम होती है। बट जब तक आपका बैटरी 15% से ऊपर है तब तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। गेमिंग की बात करें तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। ये फोन शायद गेमिंग के लिए बना ही नहीं है, हालांकि 6 इंच का फोन है और गेमिंग एक्सपेक्टेड है कि अच्छी होनी चाहिए, बट जो प्रोसेसर है और जो GPU है उसको देख के लगता नहीं है। और हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस में जो भी गेम चले वो मीडियम सेटिंग में हम लोगों ने चलाया, उसका ग्राफिक्स इतना अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। एस्पेक्ट रेट वगैरह चल गया, PUBG वगैरह इतना बढ़िया से नहीं चला। गेमिंग के हिसाब से ये फोन ना ही खरीदे। गेम खेलते समय कोई मेजर हीटिंग इश्यू नहीं है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है, बट जब आप वो हाई एंड गेम खेल ही नहीं सकते तो हार्डली मैटर्स एक्चुअली। इस फोन में आपको ड्यूल वीओ LTE मिलता है, 4G के सिम आप चला सकते हैं, 2 SIM का ऑप्शन है और एक माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। और अब बात करते हैं लास्ट में इसके कैमरे के परफॉर्मेंस की। तो आपको मिलता है 13 MP प्लस 5 MP का रियर शूटर फ्लैश के साथ ऑफकोर्स, और सामने की तरफ आपको मिलता है एक 8 MP का फ्रंट शूटर। डे लाइट कैमरा परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव है, मैंने पूरे टूर में इसको यूज किया और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डिसअपॉइंटिंग वाली बात। अब आप जूम करके देखना चाहते हैं तो एक दूसरी बात हो जाती है, बट फोन पे ये पिक्चर्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इसके अंदर ओके इफेक्ट भी है जो कि बहुत इंप्रेसिवली काम करता है, हालांकि आर्टिफिशियल है, मशीन लेवल पे नहीं है, तो कहीं कहीं ये हिट एंड मिस हो जाता है, बट ओवरऑल एक सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। इस फोन में आप टाइम लैप्स और स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैंने किया है, इसका सैंपल वीडियो आप देख सकते हैं। तो कैमरा ओवरऑल इंप्रेसिव है डे लाइट के हिसाब से, सेल्फी भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बट एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इसके लो लाइट परफॉर्मेंस की, बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि कोई भी तरह का स्टेबलाइजेशन नहीं है और ये सेंसर इतने अच्छे से लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण सारी पिक्चरें, मैक्सिमम पिक्चरें ग्रेनी आ रही हैं या तो बिल्कुल डल आ रही है, और फ्लैश यूज करने पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा मुझे। कैमरे के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि ये कैमरा स्लो है, शॉट टू शॉट लेने में स्लो है, बोके इफेक्ट में जब लेवल डेप्थ एक्सेस करता है तब भी स्लो है। तो ओवरऑल कैमरा में जब आप पिक्चर लेंगे तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पेशली जब आप बोके इफेक्ट लेते हैं। तो लास्ट में बात करते हैं इस फोन के सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो इसकी प्राइस। ऑफलाइन मार्केट में लॉन्च करने के कारण नोकिया को इसका प्राइस हाई रखना पड़ा,
बट ये एक्सक्यूज़ की तरह नहीं लिया जा सकता, बिकॉज अगर मैं 11,000 11,500 का फ़ोन लेने जा रहा हूँ तो मार्केट में बहुत अच्छे फ़ोन्स हैं अभी जो कि ले सकता है कंज्यूमर अगर नोकिया 3.1 प्लस के हिसाब से कंपेयर करें तो। तो दोस्तों ये था 3.1 प्लस का रिव्यू। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें बताएं कमेंट में आपको नोकिया 3.1 प्लस कैसा लग रहा है।